नवी मुंबई उल्वे न्यूज आज बैठी है आरटीआई गुरुजी के पास। जी हाँ, और हम जानेंगे गुरुजी से कि आरटीआई आखिर होती क्या है, आरटीआई कैसे होती है और क्या होती है, और जो भी गुरुजी हमसे कहना चाहें वो हम आप आम जनता को दिखाना चाहेंगे कॉमन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुरुजी ये रहे, आप बताइए हमारी जनता को। आरटीआई का मैंने फाउंडेशन 99 में किया जी, 4 फरवरी 1999, 31 दिसंबर 2000 को मैंने शपथ लिया है फाउंडेशन हॉल मेट्रो सिनेमा के सामने कालवा देवी। मेरा संकल्प था कि भाई रोटी कपड़ा मकान का अभाव किसी को ना हो जी। उसके ऊपर हमारी सोच और विचार आया कि इकोनॉमिक जीवन धर्म कहते हैं, इकोनॉमिक जीवन धर्म ही हमारा पैसा ही नहीं सब कुछ नहीं होता जी। जीवन धर्म रिश्ता धर्म भारत है, और रिजर्व बैंक के अंदर लिखा गया पैसा बोलता है रघुपति राघव राजा राम जी। ये सब मेरी सोच है, और सोच पे हमने ये सोचा कि भाई जो बच्चे हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम जन्म ले रहे हैं और पैदा हो रहे हैं 91 डेज से 10 ईयर तक जो बच्चे हैं सबको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, और उनको 1.5 लाख रुपये साल का पल्स दे रहे हैं। 10 साल में उनको हम 15 लाख रुपये देंगे, और 21 साल में वो पैसे को निकालेंगे जी। और ऐसा करने से अगर हम 130 करोड़ बच्चों का मेल फीमेल का अपडेट करते हैं तो हमारी रुपए की वैल्यू जो 25 पैसा है वो सीधा 6,700 रुपये होती है जी। और महिला हमारी नारी शक्ति है जिसके ऊपर भी धर्म बनाया गया है, कहते हैं सेकुलर धर्म, तो एक बोलता है एक सुनता है, जो सुनता है वो जनजाति, जो बोलता है अनुसूचित जाति जी। जिसको रिश्ता धर्म भारत कहते हैं, पैसा बोलता है। रिश्ता धर्म माता पिता होते हैं या तो सुनने वाला भगवान होता, बाकी इस धरती पे कोई नहीं है जी। इसके ऊपर में हमने सब रिसर्च करके 2009 में प्लानिंग कमीशन के साथ में थे, तो 2013 में हमें वीजा के साथ में पार्टनरशिप दिया गया कि मैं 130 करोड़ बच्चों को मैं स्मार्ट कार्ड दे सकता हूँ। उसी पे 2013 से मैं इसी प्रोजेक्ट में लगा हूँ। अभी महिलाओं को हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि जितनी भी महिलाएं जो घर में रहती हैं हाउस वाइफ हैं जी, उनके लिए 99 रुपीज पर डे का हमने प्रावधान बनाया हुआ है। 1 टाइम 51,000 निधि अकाउंट में जमा होगा, और जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहेंगी उनको बैंकिंग आवर्स में 99 रुपये डेली मिलेगा। समझो महीने में अगर 20 दिन बैंक चलता है 20 दिन मिलेगा जी। 365 दिन में 300 दिन बैंक चलेगा, 300 दिन उनको मिलेगा जी। ऐसा दलितता हटने से ही हम कुछ सुखी हो सकते हैं जी। तो इसी सब पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, और एजुकेशन के रूप में हमारा बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सब जगह एजुकेशन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम है स्मार्ट स्कूल, जिसमें हम बच्चों को सारा व्यवस्था देते हैं, फीस 1 रुपये नहीं लेते हैं जी। और इस समय हमारा बिहार के अंदर में 45 विद्यालय चल रहे हैं स्मार्ट स्कूल जी, यूपी में भी चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं चल रहे हैं, और पानी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने अभी 50 बोर लगाया है जी, और आपका समीर अमीर खान है जो सत्यमेव जयते फाउंडेशन, उसमें भी हम सौंदर्य से काम कर रहे हैं। तो हमारा इंडिया स्तर पे वर्क चल रहा है, और मैं अपने विचारों से चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि हमेशा भगवान कहीं नहीं है, जो सुनता है वो भगवान है, या तो माता पिता भगवान है। रिश्ता धर्म सेकुलर भारत है, पैसा बोलता है रघुपति राघव राजा राम जी। जय श्री बन्नारायण। सर एक बात पूछनी है आम जनता के लिए कि आरटीआई होती क्या, आरटीआई कैसे करनी चाहिए। आरटीआई के लिए जो है उसमें 10 रुपये का टिकट लेके आप अपना अधिकार लिख के दे सकते हैं, और किसी भी अधिकारी से आप जानकारी ले सकते हैं जी। उसमें अभी तो नेता लोग भी आ गए हैं जी, और उसके साथ साथ में अधिकारी तो है ही है कि आप उनको 10 रुपये अगर टिकट लगा के देते हैं, अगर रिप्लाई 30 दिन में नहीं देते हैं तो आपको 5,000 रुपया जुर्माना कैश देंगे जी। ये इसका सिस्टम हर जगह हर स्टेट में अधिकारी बैठे हुए हैं। तो सर ऑफ इंडिया की तरफ से जी। सर अपने आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आरटीआई का, तो इसमें भी लोग जुड़ सकते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल जुड़ सकते हैं जी, ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, स्टेट स्तर पे जी जुड़ सकते हैं जुड़ सकते हैं जी जी।
तो उसके लिए क्या करना होगा उन्हें? उसके लिए कुछ नहीं है, एक सदस्यता फॉर्म है जी, और जो आपकी इच्छा हो 500,000 रुपए अनुदान दे दो जी, या कमेटी है, अगर आप कमेटी बना के कोई वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए 17 आदमी कमेटी होती है जी, और 17 आदमी कमेटी में 5,000 रुपए अनुदान होता है जी, तो उसका 20 गुना हम उस संस्था में समिति में देके विकास के लिए कोई भी कार्य करते हैं जी। जैसे आप समझिए कोई भी ग्राम पंचायत है तो वहाँ विकास करना है आपको जी, तो वहाँ पे 17 आदमी का आप कमेटी बना लीजिए और उसका जो भी पैसा आता है इकट्ठा होता है जी, उसका 20 गुना स्वामी जी उसको पे करते हैं जी। अब जैसे थाना की सफाई, आजकल क्या है कि सरकारी जगह कोई भी है सफाई नहीं है जी, या वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी। जैसे हम थानों के पकड़ देख रहे हैं, पुलिस थाना जी, तो पुलिस थाना वो हमारे आत्मरक्षक है जी, अगर उनको हम कोई असुविधा नहीं सुविधा देते हैं जी, तो सब उल्टा सीधा वो काम करते हैं। इसलिए हमने पहले प्रावधान बनाया है कि पहले जितने थाना है, ब्लॉक है, अस्पताल है जी, उसको हम सुंदरीकरण कर रहे हैं जी। हम यूपी से स्टार्ट किए हैं, अभी हम यूपी से स्टार्ट किए थाना महाराजगंज से, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ ब्लॉक को मैंने सोलार के लिए भी प्रोजेक्ट दिया है जी, और थाने के लिए भी सोलार प्रोजेक्ट दिया है, अस्पताल के लिए सोलार प्रोजेक्ट दिया है जी, और विलेज वाइज से हम सोलार गरीबों को दे रहे हैं, उसमें जो मेरी कॉस्ट आ रही है 55,000 रुपये एक सोलार का, छोटा सोलार है जिसमें 10-12 पंखे बिजली सब चलेंगे जी, तो इसी सब पे मेरा वर्क चल रहा है जी। जी ठीक है सर, आप कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश है कि जो बोला जा रहा है उसको वाणी को रिसीव करें जी, वही सबसे बड़ा कृपा होगी। थैंक यू।